हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई के नॉन टेक्निकल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ बात करेंगे हम कौन से बुक आपको अच्छा होगा जे एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के लिए। स्पेशल हम नॉन टेक्निकल की बात करें, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो या फिर इलेक्ट्रिकल से हो, सभी में नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सभी में बराबर होते हैं। तो नॉन टेक्निकल के लिए कौन से बुक आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें, और जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एसएससी का उसके हिसाब से आपका तैयारी हो सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए, नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है एसएससी के अंदर, वो दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारे पास रीजनिंग का, जिसको कि हम कुछ इस प्रकार जानते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के नाम से लिखा होता है। तो रीजनिंग के टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं। इस 50 क्वेश्चन को आपको कैसे तैयारी करना है, तो देखिए, जो एसएससी जेई का पैटर्न है या फिर एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो लगभग सभी में सेम ही होता है। चाहे आप एसएससी सीजीएल का ले लें, चाहे वो आप एमटीएस का ले लें या सीएचएस का ले ले या फिर जेई का ले ले, लगभग चारों में जेई का जो पैटर्न, जो रीजनिंग का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। लगभग कुछ एक आध दो टॉपिक होते हैं अलग होते हैं। तो इसके लिए मैं रीजनिंग के लिए आपको जो बुक बताने वाला हूँ, देखिएगा, जो बुक है ये पिनाइकल कंपनी की पब्लिकेशन की बुक आती है, और इसमें क्या है कि आपको ना जो बहुत सारे एमसीक्यू दिए गए हैं वो टीसीएस पैटर्न के लिए। टीसीएस का मतलब कि जो एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, जैसे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो भी हुआ आता है, यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो भी स्टेनो वगैरह होता है जेई का, सभी का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और चैप्टर वाइज दिया गया है। मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग का बुक है और इसमें 7200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है, और ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है। ये फोर्थ एडिशन है, अलग अलग एडिशन आती रहती है, जैसे अभी फिफ्थ आ गई है मार्केट में, तो फिफ्थ भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें चैप्टर वाइज कैसे कैसे दिया रहता है, जैसे देख सकते हैं, पहले यहाँ पर एनालॉजी का कुछ चैप्टर दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जैसे अलग अलग टाइप से, यहाँ पर जैसे कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे जितने भी चैप्टर होते हैं रीजनिंग के अंदर, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको किस टाइप से दिए रहते हैं। जैसे देख सकते हैं, आपको पहले इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहेंगे, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है मेंशन किए रहते हैं। देखिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यह 2022 में सीजीएल ने पूछा गया है, तो यह मेंशन किया गया है। फिर इसी प्रकार से देख सकते हैं आगे, जैसे यहाँ पर सोल्यूशन भी इसके बहुत अच्छे से दिए रहते हैं बुक के अंदर। मैं इस बुक को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुक ना लेटेस्ट पैटर्न में चल रही है, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए बुक बहुत अच्छी है, आपको आप चाहते हैं तो इसको रीजनिंग में आपको सुधार हो जाएगा, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये रीजनिंग के बुक लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे। इस बुक में प्राइस की बात करो तो आपको 450 रुपये के आसपास में बुक मिल जाती है पिनाइकल की। देख सकते हैं, आपको पीछे से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैं आपको एक बार बैक से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। इसकी MRP 760 है, बट आपको जो अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेते हैं तो 450 के प्रॉक्स आपको मिल जाता है। और ये पिनाइकल की रीजनिंग बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसे प्रिपरेशन अपनी कर लेते हैं, इसमें लिखा भी है 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन, तो आप इसे प्रिपरेशन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब आगे चलते हम जीएस के बारे में बात करते हैं। जीएस बहुत ज़्यादा डिमांड होता है बच्चे को। देखिए, जीएस के बारे में सबसे पहले जो बुक दिखाने वाला हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ पिनाइकल की ही बुक। अब आप सोचिएगा कि पिनाइकल का लगता है प्रमोट कर रहा है, देखिए प्रमोट की बात नहीं, ये बुक बहुत अच्छी बना रही है पिनाइकल अभी। और अच्छी बनाने के बाद क्या है कि लेटेस्ट पैटर्न पर पूरी आ रही है इनकी बुक। तो मैं पिनाइकल की बात करूँ, देखिए जीएस थ्योरी बुक नाम से पिनाइकल की आती है, एसएससी सामान्य अध्ययन थ्योरी बुक के नाम से। ये भी क्या है कि बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के, जो हमारा टीसीएस एग्जाम कर रहा है उसके पैटर्न पर, और चैप्टर वाइज दिया गया है, इसमें थ्योरी दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी बुक है, ठीक है, एसएससी पब्लिकेशन की जो फर्स्ट एडिशन भी आई है मार्केट में, और ये थ्योरी बुक है, और ये भी काफ़ी मोटी बुक है। देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे पेज होती है, तो ये भी लगभग आपको 450 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बुक है थ्योरी के लिए, स्पेशल जो आप जेई का तैयारी करते हैं, फिर सीजीएल सीएचएसएल का, किसी भी एग्जाम में जो एसएससी लेवल का है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। और पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस प्रकार से कंटेंट है। अभी एसएससी के अंदर ना स्टैटिक का पैटर्न बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा आते हैं एसएससी के अंदर। तो मैं स्टैटिक जीके की बात करूँ, देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहते हैं, और यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे किस चैप्टर से क्वेश्चन है, कितने नंबर है, एक सीरियल नंबर है बताया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है सारे को मेंशन है। यहाँ पर साइंस का भी पार्ट है, जैसे देख सकते हैं केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर इकोनॉमिक है, मतलब सारे। और इसका थ्योरी कैसा दिया गया है, देखिए यहाँ पर थ्योरी बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप मतलब अगर अदर बुक में पढ़ते तो आपको इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो ये बुक को इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं अपना थ्योरी को अच्छे करने के लिए। बहुत सारे बच्चे लुसेंट से पढ़ते हैं, लुसेंट भी अच्छा है, बट लुसेंट में स्टैटिक जीके का प्रॉब्लम है, स्टैटिक जीके का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, तो स्टैटिक जीके के लिए आपको फिर अलग से बुक खरीदना पड़ता है।
तो मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा जो कि है पिनाकल की है बुक है, ठीक है। और इसमें देखिए हिस्ट्री जो भी है आपको हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे, मिडिल एज का हो गया, एशियंट एंशियंट का हो गया, मॉडर्न का हो गया, सारे का इसमें कंटेंट दिया गया है, बहुत अच्छी है। इसमें सारे चीज़ दिए गए हैं, लगभग पूरा चैप्टर इसमें फिनिश किया गया है। और इसमें स्टैटिक का सबसे ज़्यादा पोर्शन दिया गया है, तो लुसेंट आप लेते हैं तो स्टैटिक उसमें कम है, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, फिर इसे स्टैटिक के लिए बुक खरीदना होगा। तो जो हो गई एसएससी के सामान्य अध्ययन की थ्योरी बुक होगी। और पिनाकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है 6500 प्लस एमसीक्यू का, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ना एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होंगे सेम इसी टाइप से, इसी तरह का कवर उसका भी होगा। पिनाकल का सारा ब्लू कलर के ही आते हैं, तो आपको इसी तरह से 6500 प्लस एमसीक्यू होगा जो कि 2023 तक का, जो सातवां महीना 2023 तक का, उसका फिफ्थ एडिशन आ गया है मार्केट में, वो भी मैं आपको नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिखाए थे, तो उसका एमसीक्यू आता है, तो उसको भी लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर मैं आपके आगे बुक बताने वाला हूँ जो कि जनरल साइंस के लिए मैं आपको एडिशनल बुक बताने वाला हूँ, वो है हमारे पास लुसेंट का बुक। देखिए मैं लुसेंट क्यों जनरल साइंस के लिए बता रहा हूँ, देखिए कुछ साइंस का कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना होता है, और उसमें जैसे आप बात करें प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी एसएससी के अंदर, और इसमें क्या है ना कि इस डिटेल से पूरा समझाया जाता है चीज़ों को। तो मैं इस साइंस के लिए इस बुक को रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को एक एडिशन ले लें, ज़्यादा महंगा नहीं आता आपको, 150-150 रुपये के आसपास में साइंस की बुक आपको मिल जाती है। तो लुसेंट पब्लिकेशन की आती है साइंस की बुक है, मेरे पास सारे बुक हिंदी में है, इस सारे का इंग्लिश पब्लिकेशन इंग्लिश वर्जन भी आता है, तो आप इंग्लिश या हिंदी अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो ये बुक हो गई सामान्य विज्ञान की। अब बात करते हैं बहुत सारे बच्चे के, देखिए इस लुसेंट के, देखिए लुसेंट भी आपको लुसेंट के नहीं, ऐसा नहीं है कि लुसेंट को हटा दूंगा, देखिए लुसेंट है ना एक बेस के लिए, जब बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो इसमें दिया गया, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा पैटर्न पुराना दिया गया है, तो ये पुराना रामबाण है पूरा मतलब लुसेंट, बट इसमें थोड़ा सा पैटर्न जो लेटेस्ट है वो मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं पहले यही पढ़ता था, बट अब जो जब से ये पिनाकल आ गया इस पर ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि ये ना इसमें पैटर्न पूरी लेटेस्ट पैटर्न है पिनाकल के अंदर, इस वाली बुक के अंदर। तो आप लुसेंट भी परचेस कर सकते हैं, ये भी 150 के आसपास हमको मिल जाती है, तो लुसेंट बहुत अच्छी बुक है। फिर मैं आपको स्टैटिक के लिए एक और बुक को रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसको स्टैटिक के सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, देखिए इसमें स्टैटिक है बट कई बार बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया गया है, जो पिनाकल के बुक है इसमें बहुत डिटेल में, अगर आप पहले सिर्फ स्टैटिक के बुक खरीदना चाहते हैं, जैसे आप किसी के पास लुसेंट है कोई ये बुक नहीं खरीदना चाहता है, तो इस बुक का फॉलो कर सकते हैं, नवीन सर की बुक है, इनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती है, और इनका जो बुक लिखा हुआ ना बहुत अच्छा, गजब की बुक लिखी हुई इन्होंने, मतलब ना स्टैटिक के लिए काफ़ी मतलब पूरा उतना डिटेल में नहीं गए हैं, बट जो भी कंटेंट दिया गया है ना काफ़ी अच्छी है, मतलब आप वन लीनियर टाइप में बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं इस चीज़ को, तो जो जीडी वगैरह के बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है बुक, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्टैटिक बुक लेना चाहते हैं ना तो ये ले लीजिए, 125 रुपये में आपको ये बुक बहुत अच्छी मिल जाएगी, स्टैटिक नवीन सर और अंकित सर की बुक बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ तक मैंने आपको कई बुक बता दी, जैसे जीएस थ्योरी बता दी आपको, पिनाकल की स्ट्रेटेजी का बता दी, लुसेंट बता दिया मैंने आपको, लुसेंट का साइंस बता दिया, रीजनिंग पिनाकल को बता दी, ये सब बुक है जो हमारे क्या है हमारे जीएस के सिलेबस में है और जो हमारे रीजनिंग के सिलेबस में है, तो ये नॉन टेक्निकल के पार्ट है सारे, जो आपको 4-5 मैंने बुक बताया, तो इस टाइप के बुक आप फॉलो करेंगे तो आपका निश्चित ही पेपर में ज़्यादा स्कोर आएगा। अगर इस टाइप के बुक फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि पैटर्न काफ़ी लेटेस्ट है तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा फिर। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।